यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 12वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित भी किया और इसी दौरान सीएम ने यह भी कहा कि अधिकारियों को समय के साथ साथ बदलती पद्धतियों और इसके अलावा परिवर्तन के अनुसार कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर आगे बढ़ने की जरूरत उनको है। और सीएम मनोहर लाल ने 12वें सिविल दिवस को 72वां सिविल दिवस बताते हुए कहा कि असल में मायने में ये 72वां सिविल दिवस है क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को देश के सिविल सेवकों को संबोधित किया था। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की एक सीमा है और वे नीतियां बना सकती हैं, लेकिन उन नीतियों को क्रियान्वित सिविल सेवा अधिकारी ही करेंगे। सीएम ने इस दौरान परिवर्तन योजना की भी समीक्षा की है। सर्विस है आईएएस की, आईपीएस की, इसका जो जनता में जिस प्रकार का एक रुतबा, जिस प्रकार का इसका एक लेवल, ये शायद हमको भी कल्पना नहीं है कितना बड़ा ये रुतबा है। ये बहुत बड़ा एक रुतबा है क्योंकि सही मायने में देश की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने वाला ये औहदा है, वो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। तो ऐसे सारे लेवल्स को जनता बहुत ऊँचा आँकती है और ये देश की सेवा के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है, ये विषय भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं उस समय सबने नहीं पहचाना। अगर पहचानने वालों में कोई एक नाम लेना हो तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।